औरंगाबाद शहरामध्ये दिवसेंदिवस कोरोनाचे रुग्ण वाढत चालले असून नागरिकांनी मास्क वापरावा, तसेच सॅनिटायझरचा वापर करावा आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळावे असे आवाहन महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक अस्तिकुमार पांडे यांनी केले. तसेच नागरिक याकडे गांभीर्याने बघत नसल्याने कोरोना संसर्ग वाढत आहे, यामुळे आम्हाला नाईलाजाने लॉकडाऊनचा पर्याय निवडावा लागेल असा इशारा देखील महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी दिलाय. औरंगाबाद शहर में कोरोना विषाणु के प्रसार पर औरंगाबाद महानगर पालिका बारीकी से नज़र रखे हुए है. हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद शहर में जो कोरोना के केसेस हैं उनमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती जा रही है. जैसे कि अगर बात करेंगे तो 2 मार्च को हमारे यहाँ को केवल 283 केसेस थे, 3 मार्च को 307 केसेस सामने आए और 4 मार्च को यानी कि कल 308 केसेस सामने आए हैं. हम देख रहे हैं कि कुछ नागरिकों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं. अल्टीमेटली सभी नागरिकों को ये याद रखने की ज़रूरत है कि औरंगाबाद शहर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमा है. लास्ट ईयर मैक्सिमम केसेस आए थे, उसके बावजूद औरंगाबाद महानगर पालिका और ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सुविधाएं अरेंज करी थी, परंतु इस बार जबकि आधा लॉकडाउन नहीं है एंड शहर में अन्य गतिविधियां सभी सुचारू रूप से चल रही हैं, उस बड़े पैमाने पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना एक चैलेंज रहेगा. इसलिए मैं सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि मास्क का यूज़ करें, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. इन तीनों चीज़ों का पालन अगर आप करते हैं तो औरंगाबाद शहर में कोरोना केसेस की संख्या नियंत्रण में रहेगी, उनमें कमी आती जाएगी और औरंगाबाद शहर में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.